नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ना इसी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर आप एक्सेल में किसी भी डेटा एंट्री को आपने मेंटेन कर रखा है या फेड कर रखा है, कोई भी डेटा आपने बना रखा है और आपके पास डेटा का जो सीरीज है वो बहुत लंबा है, मतलब हजारों में है, ठीक है, 10,000 में है। और अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए किसी भी वर्ड को मुझे ढूंढना है या किसी नाम को ढूंढना है कि हमारे पास ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक नाम के हैं, ठीक है, तो वहां पे मुझे सर्च करने में बहुत मुश्किल होगा, हर चीज को मुझे फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आप बहुत ही आसानी तरीके से उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं सर्च ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। सर्च ऑप्शन या फॉर्मूले के द्वारा आप एक सर्च बॉक्स बना सकते हैं और उस सर्च में जैसे ही बच्चे का नाम ऐड करेंगे ऑटोमेटिक तुरंत हाईलाइट कर देगा कि इसमें से कौन सा आपका कौन कौन से है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीट है इस तरीके से और इस सीट में मुझे जैसे मान लीजिए रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस, कोर्स, मोबाइल नंबर और कोर्स फीस है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि भाई मनोज कुमार के कितने नाम के बच्चे हैं, दीपक के कितने नाम के बच्चे हैं, अर्पित नाम के कितने पास हमारे पास बच्चे हैं, तो हमें ढूंढने बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, उनको फाइंड करना पड़ेगा, तो उन्हें हाईलाइट करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा हमारे पास कितने बच्चे हैं। बट लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बना दिया और सर्च ऑप्शन के द्वारा उसे हम सर्च कर लें तो अपने काम को बहुत ही आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल और तैयार कर रखा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया अर्पित, ठीक है, हमने यहाँ पे अर्पित ऐड करके एंटर किया तो देखिएगा यहाँ पे अर्पित नाम के जितने भी लोग हैं हमारे सामने आ गए, ठीक है। मान लीजिए मुझे रोहित ऐड करना है, चलो भाई हमने रोहित ऐड कर लिया, देखिएगा ये रोहित आ गया, रोहित हमारे पास एक है, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया, चलो ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पे संजू, संजू तो देखिएगा यहाँ पे संजू हमारे दो है, ठीक है। तो सर्च बॉक्स किस तरीके से बनाया हमने, कैसे बनाया उसको हम सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें, इसको हमने किया हटा दिया और यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, रूल सेट कर रखा है, पहले उसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो हमने ये क्लियर कर दिया, क्लियर हुआ नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं किया था, तो हमने सेलेक्ट किया और गए यहाँ पे, इसको हमने कर दिया क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा हमने किसी का भी नाम टाइप किया, जैसे हमने क्या दिया यहाँ पे अर्पित, ठीक है, तो नाम नहीं सर्च कर रहा है, ठीक है, मुझे नहीं रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो अब हम कैसे इसे यूज करेंगे, उसके लिए करना पड़ेगा, हमें करना कुछ नहीं है और यहाँ पे हमने किस, चलो ठीक है, अर्पित को हमने ऐड कर दिया और इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको हेडिंग नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ टेबल सिलेक्ट करना है जहां से आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना कहां पे है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको यहां मिलेगा न्यू रोल्स, न्यू रोल्स पे जाइएगा। न्यू रोल्स पे जाने के बाद यहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको, देख दे रखा है, यूज ए फार्मूला टू गेट माइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इस फॉर्मेट बॉक्स में आएंगे, इस बॉक्स में एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, इक्वल पहले यूज करेंगे। भाई देखिए एक्सेल में क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वल जरूर लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे सर्च, सर्च, और सर्च का फॉर्मूला जब लगाएगा ना तो इसे थोड़ा कैपिटल में टाइप करेगा दोस्तों, ठीक है, सर्च, यस ई, आप सर्च टाइप कर सकते हैं सर्च, और सर्च टाइप करने के बाद आप ब्रैकेट लगाइएगा। अब ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे उसका एड्रेस दे देना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने सर्च बॉक्स में यहाँ पे जहाँ हमने अर्पित टाइप कर रखा है वहाँ पे मुझे टाइप करना है हर स्टूडेंट का नाम, तो हमने इस सेल का एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड का निशान लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एंड का निशान लगाएंगे। तो नहीं सॉरी, एंड का निशान से पहले आपको एक कमा लगाना है, ठीक है, क्योंकि अब हमें टेबल में एड्रेस देना है, तो यहाँ पे कमा लगा दिया हमने। और कमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सिंबल लगाना है, किसका, डॉलर का, डॉलर का सिंबल लगाइएगा। डॉलर का सिंबल लगाने के बाद अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि आपको किसको किसको फाइंड करना है, तो भाई जहां से फाइंड करना है वहां का आपको एड्रेस देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ए कॉलम से फाइंड करना है, ए कॉलम लेके रो नंबर टू से, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे ए टू, ठीक है, ए का मतलब एक और टू का मतलब रो नंबर कॉलम, ठीक है। उसके बाद एंड का निशान लगाइएगा,
एंड का निशान लगाने के बाद फिर सिंबल दीजिएगा, उसके बाद सेकंड रहेगा बी टू, ठीक है, हमने बी टू दिया, चलो ठीक है भाई, हमने फिर एंड का निशान लगाया, सिंबल लगाया डॉलर का, फिर हमने कर दिया यहाँ पे सी टू, फिर एंड का निशान, फिर डॉलर का सिंबल, उसके बाद सी टू के बाद आता है डी टू। डी टू में कौन है? एड्रेस, ठीक है, मतलब जो भी आपको फाइंड करना रहेगा ना, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे पूरा नहीं फाइंड करना, मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नाम फील करना है, उसी को फाइंड करना, तो स्टूडेंट का एड्रेस दे दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर किसी का भी एड्रेस, मान लीजिए मुझे नेम से नहीं मिला, मुझे मोबाइल नंबर से सर्च करना है, मुझे यार कोर्स फीस के सर्च करना है या एड्रेस से सर्च करना है, तो जैसा आप चाहोगे उस तरीके से यहाँ टाइप करोगे, सर्च बॉक्स तुरंत सर्च करके आपको बताया गया, इसलिए मैं पूरा एड्रेस फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने डी टू का मतलब हो गया हमारा एड्रेस, ठीक है, मैंने फिर आपका एड्रेस का सिंबल लगाया, और फिर मैंने डॉलर का सिंबल लगाया, डॉलर का सिंबल लगाने के बाद हमने ई टू का एड्रेस दिया, मतलब कोर्स का, हमने दिया ई टू, फिर एंड का निशान, फिर डॉलर, उसके बाद हमने एफ टू का दिया, मतलब जो हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसके बाद फिर एंड का निशान, फिर डॉलर, उसके बाद हमने दिया कोर्स फीस जी टू, उसके बाद इसे ब्रैकेट से हम कर देंगे बंद। इतना तो भाई हमारा हो गया, देख लीजिएगा ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि कौन सा कंडीशन हो, मतलब अगर हमने वहाँ पे किसी भी बच्चे का नाम या फर्स्ट नेम या एड्रेस, कोर्स मोबाइल नंबर या कोर्स फीस जो भी हमने वहाँ पे ऐड करें, तो हाईलाइट किस रूप में होगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट पे जाने के बाद एक विंडो खुलेगा, टाइम लेगा, देख लेगा इस तरीके से खुल के आ जाएगा, बस खुल के आ जा रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ पे, फील्ड में, फील्ड में कौन सा कलर चाहिए भाई, मुझे चाहिए ग्रीन, चलो भाई हमने ग्रीन ले लिया और इसे कर दिया ओके, मतलब जब ये फिल्टर करे, सॉरी सर्च करे, तो वो ऑप्शन, वो नेम कहाँ कहाँ पे है वो तुरंत सर्च होके आ जाए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे करना है ऐड कर लिया करा, उसके बाद ने कर दिया ओके। तो देखिएगा यहाँ पे अर्पित जहाँ जहाँ पे है ऑलरेडी वो सर्च होके आपके सामने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मुझे देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिहवा है, कुदमठ है, हैंसर बाजार है, धंगटा है, मुझे चेक करना है कि धंगटा के कितने लोग हमारे पास है, छोटे भाई मैं टाइप के धंगटा, चलो भाई धंगटा हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है, मुझे चेक करना है कि हमारे पास त्रिपल से कितने बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे पूरा एड्रेस हमने ऐड किया, भाई आप कोर्स से, एड्रेस से, फादर्स नेम से, स्टूडेंट नाम से, जिस नाम से या जिस तरीके से आप सर्च करना चाहते हो उस तरीके से सर्च कर सकते हैं, इसलिए हमने फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग कर दिया और हर चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, मतलब मुझे देखना है कि त्रिपल से कितने बच्चे हमारे पास है, चलो भाई हमने त्रिपल से टाइप कर दिया, फिर एंटर, तो त्रिपल से हमारे पास तीन बच्चे, कौन कौन है, सागर, रमेश और मनोज कुमार, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ऐसे कितने बच्चे हमारे पास जिसकी फीस 1000 रुपये है, चलो भाई हमने 1000 ऐड किया, तो बता रहे हमारे पास दो बच्चों का फीस 1000 है, रोहित और अर्पित, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे किस नाम से सर्च करना, मतलब मुझे सर्च करना है चलो हमने ऐड किया अब फादर्स नेम से, मुझे देखना है कि सुशील, किन किन बच्चों के पिताजी का नाम सुशील है, चलो भाई हमने सुशील टैग कर लिया, लग रहा है हमारे पास एक ही बच्चा है रवि, ठीक है। तो इस तरीके से सर्च बॉक्स के द्वारा आप बहुत ही आसानी से किसी भी डेटा को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आ गया, वीडियो अगर पसंद, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।